बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, भोजपुर में ताबड़तोड़ मर्डर पर चुप क्यों है सुशासन बाबू? बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में तमाम खामियों से त्राहिमाम 2005 में उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार के हाथों में सत्ता सौंपी थी। सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ ऐसे सख्त फैसले भी लिए जिसके बाद जनता और मीडिया कर्मी उन्हें सुशासन बाबू कहकर संबोधित करने लगे। अब लोग कह रहे हैं कि दादा ई का होता बिहार में, भाई भाई। सुशासन बाबू को बतौर मुख्यमंत्री बिहार में सरकार चलाते हुए करीब 17 साल बीत चुके हैं। इन दिनों तमाम चाय दुकानों पर चर्चाएं सुनने को मिल रही है। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सुरक्षित नहीं थे तो दूसरा के का हुई। वहीं लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रह गए हैं। जनता के बीच से ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में बिहार में मर्डर, चोरी, डकैती की घटनाओं में अचानक से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये नीतीश सरकार की देन है कि सरियाम घटना घट रही है। आप मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं, हत्या, बलात्कार और अपहरण दिन प्रतिदिन हो रहा है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते सरकार पिछले एक सप्ताह में बिहार की मीडिया में सुर्खियों बनी क्राइम की खबरों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती है, क्योंकि हम आईना तो दिखा सकते हैं लेकिन एक्शन तो सरकार और पुलिस प्रशासन को ही लेना है। बात करें बिहार के भोजपुर जिले की तो मंगलवार को भोजपुर के लिए काला दिन साबित हुआ। इस दिन भोजपुर के 5 लोगों को गोली मारी गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मथवलिया गांव में मंगलवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जख्मी युवक को दाहिने पैर के घुटने में गोली लगी है जो अंदर फंसी हुई है, इससे वो गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया जहाँ से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मथवलिया गांव निवासी किशुन देव राय का 18 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार यादव है। वहीं दूसरी घटना उधवंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत कारीसात गांव स्थित पैक्स गोदाम के समीप पूर्व के विवाद में मंगलवार को हथियारबंद बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। जख्मी छात्र को गोली दाहिने साइड पंजरी में लगी है जो आर पार हो गई जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए गजराजगंज ओपी पुलिस द्वारा सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। तीसरी घटना उधवंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत बामपाली गांव के समीप की है जहां मंगलवार की संध्या खेत से वापस लौट रहे युवक की अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को दाहिने साइड सीने में गोली लगी है। मृतक उधवंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत बामपाली गांव निवासी बूटन पासवान का 20 वर्षीय पुत्र छोटे लाल पासवान है। जी जी, क्या मांगे हैं? देखिए, आप तो देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेके प्रशासनिक व्यवस्था को जिस तरह से इस खिलौने के तरह खेला जा रहा है सरकार और प्रशासन के द्वारा, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। बामपाली में एक दलित परिवार से आने वाले किसान को कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कोई अरे इवन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है कि कोई उनको बम छोड़ दे रहा है उनके पीछे, कोई उनको थप्पड़ से मार दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रखे हुए हैं, चूँकि गृह मंत्री वो खुद हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो या तो गृह मंत्रालय दूसरे को दे दें या तो वो अपने पद से इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू हो। अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है तो दिन प्रतिदिन इसी तरह से गरीबों का हत्याएं होते रहेंगे, आबरू लूटे जाते रहेंगे, दलित महिलाओं का, बेटियों का, और ये खास करके ये बामपाली में जो ये गरीब किसान की मौत हुई है, ये कल रात को सदर हॉस्पिटल में प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आएंगे और तत्काल क्रिमिनल को जो भी मतलब आपराधिक इसमें है इसमें उनको पकड़े जाएंगे और जो भी इनको वेलफेयर डिपार्टमेंट से इनको लाभ होना मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई अभी पदाधिकारी मिलने तक
भी नहीं आई। चौथी घटना भोजपुर और बक्सर जिले के सीमा नैनीजोर थाना क्षेत्र के समीप हुई, जिसमें शाहपुर प्रखंड के छोटा विशुपुर निवासी एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पांचवी घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के घटना कोयल गांव की है, में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत 23 वर्षीय महिला पूनम देवी थी। ये वारदात मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे तब हुई जब महिला शौच करने खेत की ओर गई थी। मृत महिला कोयल पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश्वर सिंह के परिवार की बताई जा रही है। इन सारी घटनाओं के बाद भोजपुर जिले में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे भोजपुर के लोगों में दहशत का माहौल है। भोजपुर में ठाए ठाए में देखिए सोमवार को 7 बजे सरपंच पति का गोलीबारी का राज, सिर्फ भोजपुर न्यूज पर। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।